हमारे साथ सांगोद के विधायक भरत सिंह हैं, जो कि कल से कोटा में एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं खान की झोपड़िया गांव को कोटा ज़िले में शामिल करने के लिए। वर्तमान में ये गांव 12 जिले में है। क्या सर ये पूरा मुद्दा है? मुद्दा यह है कि आज से 30 साल पहले 12 पृथक से जिला बना था। 12 जब जिला नहीं बना था उसके पहले 12 कोटा ज़िले का ही हिस्सा था। कोटा और 12 दोनों एक जिला था और वो कोटा ज़िला है। 10 अप्रैल 1991 में 12 जिला बना और उसकी जो बाउंड्रीज तय करी तो कोटा से जो 12 जाते हैं तो काली सिंध नदी को सीमा मानकर नदी के दूसरे किनारे का पूरा क्षेत्र जो है 12 जिले में चले गया और नदी के काली सिंध के कोटा की तरफ का क्षेत्र कोटा ज़िले में रह गया। उस समय एक भूल हुई, भूल ये हुई कि कोटा सीमा में 12 जिले का एक गांव खान की झोपड़िया वो भूलवंश कोटा ज़िले में रह गया और आज तक वो कोटा ज़िले में ही है और उस गांव का नाम खान की झोपड़िया है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ खनन होता है और वैध खनन से ज़्यादा अवैध खनन होता है और पूरा उस गांव का विकास ठप है। उसी के पास गड़ेपान का बड़ा कारखाना है और ये गांव पूरे विकास से बिल्कुल वंचित है और इसमें सारे अवैध काम होते हैं। तो ये गांव 30 साल तक जानबूझकर, मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था में इसको सुधार करने का प्रयास नहीं किया। पिछले 30 साल में 26 कलेक्टर तो कोटा में पलटे, 24 कलेक्टर 12 में पलटे, 21 डिविजनल कमिश्नर आए। ये प्रशासनिक व्यवस्था का काम है कि इस गांव को सुधार किया जाए। विडम्बना यह है कि कोटा के कलेक्टर राजस्थान के मुख्य सचिव बने। अभी जो निरंजन आर्य थे ये भी कोटा में कलेक्टर थे, विधायक रहते हुए मैंने इनको पत्र लिखा, कोई प्रयास नहीं करा कि इस गांव को कोटा ज़िले में शामिल किया जाए। विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया, फिर मुझे जानकारी मिली कि 12 जिले के 3 विधायकों ने सरकार को ये लिख के दिया है कि ये जो भूल है इसको सुधार नहीं किया जाए, खान की झोपड़िया को 12 जिले में ही रखा जाए। लिखित में दिया है 3 विधायकों ने कि भूल को सुधार नहीं किया जाए। तो उससे स्पष्ट है कि मेरे प्रयास जो विधानसभा में क्यों कामयाब नहीं हो रहे, क्यों मेरी सुनाई नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही कि 3 विधायकों ने लिख के दे रखा है कि ये काम वहाँ नहीं कराया जाए, इसको शिफ्ट। अब आप 9 तारीख से जयपुर में विधानसभा चलेगी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन? हाँ, वो तो मैंने सोच समझ के कराया ना, 11 बजे विधानसभा वहाँ शुरू होगी, 11 बजे मेरा धरना होगा। और ये धरना मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 30 साल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 3 बार कांग्रेस की सरकार आई है। तो सारे प्रशासनिक व्यवस्था और ये जो सरकार की व्यवस्था है उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। और ब्यूरोक्रेसी, जो मैं तो मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मुखिया तो होता है, पर मुखिया उस तरह से होता है जैसे कोई शादी की बारात में पूरी शादी का हीरो लाडा होता है, बारात का दूल्हा जो है वो घोड़े पर बैठता है, मगर उस घोड़े की लगाम उस दूल्हे के हाथ नहीं होती। आगे चलने वाला जो है वो नचाता है कि कौन सी गली में घोड़ा घूमेगा और कौन सी गली में दूल्हा घूमेगा। तो ये ब्यूरोक्रेसी उसी तरह की है। 2 मुख्य सचिव रह गए, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, 30 साल की भूल है। मैं तीसरी बार विधायक हूँ उस क्षेत्र से, कल से लोग बाग बोलेंगे कि इन्होंने विधायकों ने क्या झक मारी थी क्या। इसलिए प्रदर्शन है और आखिरी समय तक जहाँ तक मेरे में वो है कि मैं इस जिले में इस गांव को शामिल करूँगा। जो गलत काम करना चाहते हैं वो तो प्रकाश चाहते ही नहीं है, वो तो लट्टू फोड़ना चाहते हैं ताकि अंधेरा रहे, ताकि हम अंधेरे में काम कर सकें। आपने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री को भी मतलब ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है ऐसा बोला? अरे सारी चलाती है ब्यूरोक्रेसी, जो है पूरा खेल ही ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के बिना। और एक दूसरे को मैं तो कह रहा हूँ इस बात को कि ये 2 मुख्य सचिव, पूछिए निरंजन आर्य से कि आपको भरत सिंह ने लिखा है नहीं लिखा। और अभी तो वो एडवाइज़र है, मुझे मालूम पड़ा कि एडवाइज़र है, तो वो बताएं कि भरत सिंह, या तो सार्वजनिक रूप से आप लोग पूछिए कि वो गलत बात कर रहे हैं क्या, सबसे पूछिए ये गलत है क्या कोई बोले। मैंने उनको समझाने के लिए लिखा है, तख्ती लेके बोल रहा हूँ कि बाएं पैर का जूता दाएं में क्यों पहन रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उल्टा है उसको सुलटा करो ना भाई। और ये विधानसभा में जब मुझे मालूम पड़ा कि विधानसभा में तू बोलता रहे तेरी सुनाई नहीं होगी, तो मैंने कहा कि लोगों के बीच में जाएंगे,
और इसके बाद इसी के वजह से आपके माध्यम से मेरी बात कर रहा हूँ और कल प्रदर्शन करूँगा, आगे भी करूँगा। सदन के सदन पर अब आपका विश्वास नहीं रहा, अब जनता पूरा, अरे विश्वास नहीं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, ये करते हैं ना जो मुख्यमंत्री, और ये भी तो अभी जो दिल्ली में धरना नहीं देते क्या, गांधी जी के सामने नहीं बैठते क्या, बड़े बड़े लोग बाग जो मुख्यमंत्री हैं, जो जिसका ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक तरीका है, रस्सा खींची है, बहुमत के आधार से चलता है, और बहुमत में भला आदमी क्या कह रहा है या बदमाश क्या कह रहा है ऐसा नहीं चलता। देखिए एक दूसरा, आपने राम और जानकी और लक्ष्मण की भी बात, मैंने ये कहा है कि नौटंकी होती है उसमें रावण का पात्र बहुत भला आदमी भी रावण का पात्र अदा करता है, और बहुत बार लुच्चे किस्म के लोग बाग भी राम बन जाते हैं, तो इस पूरे खेल में 12 जिले का जो नौटंकी हो रही है उसमें गलत आदमी राम लक्ष्मण जानकी की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने लिख के दिया है कि इस जिले को 12 जिले में ही रखो, इस गांव को 12 जिले में रखो। आपका इशारा खनन मंत्री और विधायक, ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि आप कौन है वो राम लक्ष्मण और जानकी, उसके बारे में आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें, पर मैं समझता हूँ कि नौटंकी देखने वाले सब पहचानते हैं पात्रों को। एक ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है, अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कांग्रेस पर एक विवादास्पद बयान दिया था, मैं इस पर नहीं बोलूं तो बेहतर है, मेरे पास अपने बोलने का विषय बहुत है। साफ तौर पर उन्होंने, भरत सिंह जी हैं, उन्होंने जो कांग्रेस पर दिए गए सतीश पूनिया के बयान को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर बोलने से इनकार कर दिया है। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।